नहीं बन रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा, खास करके सीमांचल का एरिया है, महागठबंधन का दावा है कि सबसे ज्यादा मजबूत हम हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम वहीं पर सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। देखिए, इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहा है। इस बार मतदाता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार पलायन के नाम पर, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदाता मतदान अपना कर रहा है। तो कोई सोचे कि उनका वोट बैंक, भाई मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक नहीं रहा तो बाकियों का वोट बैंक क्या रहेगा? मुख्यमंत्री तो, वही कैंप कर लिए हैं तो करेंगे ही, परेशान है भाई। पहले दो फेज हार है, अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्माघार ना हो जाए उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है उसको करने की कोशिश करेंगे। मंत्री नहीं बन रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा, खास करके सीमांचल का एरिया है, महागठबंधन का दावा है कि सबसे ज्यादा मजबूत हम हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम वहीं पर सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। देखिए, इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहा है। इस बार मतदाता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार पलायन के नाम पर, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदाता मतदान अपना कर रहा है। तो कोई सोचे कि उनका वोट बैंक, भाई मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक नहीं रहा तो बाकियों का वोट बैंक क्या रहेगा? मुख्यमंत्री वही कैंप कर लिए हैं तो करेंगे ही, परेशान है भाई। पहले दो फेज हार है, अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्माघार ना हो जाए उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है तो उसको करने की कोशिश करेंगे।